अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग अपनी ज़ात में अंजमन होते हैं और एक आम सी चीज़ को इस तरह बना देते हैं कि एक दुनिया के लिए मिसाल बन जाती है। घर सब के होते हैं, लान सब के होते हैं, पौधे भी सब लगाते हैं, कुछ ना कुछ सब करते हैं, लेकिन कुछ लोग शायद जुनून से करते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें सलाहियतें भी ऐसी दी होती हैं और उसकी एग्जीक्यूशन वो इतनी खूबसूरत करते हैं कि फिर दुनिया देखती है। वो कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो लेकिन जब अब सोशल मीडिया आ गया है तो ऐसे मोर अब पूरी दुनिया देखती है। ये जो गार्डनिंग होती है ना, मुझे ये फीलिंग आती है कि हर इंसान के अंदर है, हर इंसान अंदर से खूबसूरत है। इंसान की प्रायोरिटीज़ होती हैं और कुछ किसी और लाइन पर चलते रहते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता। और जिस वक्त आपको एहसास हो जाए कि मैं अपनी इस खूबसूरती को बाहर निकाल दूँ, तो फिर ये बन जाती है। देखें ना कितने अच्छे परिंदे चहचहा रहे हैं। अभी थोड़ा सा टाइम और होगा तो अभी आपको कोयल की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। ये गांव में हम देखा करते थे, शहर में कोयल की आवाज़ को एंजॉय करने के लिए ये आप सुन रहे होंगे, तो आपको कोयल को माहौल देना पड़ेगा। तो वो माहौल हम क्रिएट करते हैं तो सब कुछ आ जाता है। अभी आप देखें, मुझे ना उसका शौक़ था गुलहरियों का कि गुलहरियाँ आएँ मेरे घर में। किसी दोस्त ने कहा ऐसे नहीं आएंगी। मैंने किसी एक दोस्त से दीपालपुर से अपने गांव से एक पेड़ लाया और उसको यहाँ छोड़ दिया। अब ये देखें, ये छली है, ये दोस्त है मेरे जो छलियाँ उगाते हैं मकई वगैरह, तो उनसे हम लाते हैं। ये एक सिट्टा जो है ना, वो डेली का हम इसमें डाल देते हैं। वो वहाँ बैठ के जब मैं किताब पढ़ता हूँ विंडो के अंदर, तो वहाँ से मैं इसको इन्जॉय करता हूँ, इस सीन को। इन्ना खूबसूरत लॉन, इन्ना खूबसूरत बगीचा, फुल बूटियां दे नाल इन्ना प्यार, यह कोई फितरत शनास जड़ा वे ना, फितरत नाल जुड़िया होया शख्स जड़ा ना, यह वही कर सकता वे। ये है, इसको एंजल्स ट्रम्पेट कहते हैं। इसको ये लंबे लंबे ट्रम्पेट के फूल लगते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं। ये अभी फलियाँ उसके बर्ड लगे हुए हैं। और मुझे ज़्यादा पसंद है मल्टी फ्लोरा, यानी कि एक टाइप के नहीं, मुख्तलफ रंग के, मुख्तलफ शेप के, मुख्तलफ कलर्स के वो सारे फूल मिक्स किए हों। अच्छा, ये दरवाज़ा कैसे क्रिएट किया आपने? ये देखे ना, ये बाज़ार से तो ऐसा नहीं मिलता। नहीं, बस कहीं नेट से एक देखा था, वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड सा था, वुड का बना हुआ। हमने यहाँ से लोकल बांस पकड़े, उसको इस तरह से काट छाट के काट के यहाँ आपने इतना प्यारा माहौल क्रिएट किया जी। तो उस माहौल के अंदर भी तो बच्चे भी तो क्यूट से होने चाहिए थे, प्यारे से होने चाहिए थे, जो लगे कि सिस्टम का हिस्सा है। हमने देखा इधर उधर के हमारे गार्डन में बाबा गार्डनिंग करते हैं, उन्हें उनके जब वो गार्डनिंग कर रहे होते थे तो उनके मुँह पे बड़ी अच्छी स्माइल होती थी, जिसको देख के हमें भी दिल चाहता था कि हम भी गार्डनिंग करें। जो है ये सारे कटर्स है, गार्डनिंग प्रूनर्स, कटर्स कहते हैं। सॉइल जो है ना, वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्लांट है, तो आप उसके मुताबिक यूज़ करते हैं। कि कुछ प्लांट्स होते हैं ऐसे जिन्हें सैंडी सॉइल चाहिए होती है, यानी कि रेतली मिट्टी, तो आप उसके मुताबिक उन्हें उस तरह की मिट्टी में लगाते हैं। और कुछ फॉर एग्जांपल उन्हें बिल्कुल आप फॉर एग्जांपल कभी इंडो रखते हैं तो उसके लिए पीट मॉस भी यूज़ कर सकते हैं। ये है हमारा वर्कशॉप एरिया, यहाँ पर हम प्लांट्स को तैयार करके, तो उसके बाद जब थोड़ा पौधा स्टेबल हो जाता है तो फिर हम मेन उसको डिस्प्ले में ले जाते हैं। मैं जब कहीं से आता हूँ ना सफ़र करके, चाहे रात के 3 बजे पहुँचूँ, सबसे पहले मैं लाइटें ऑन करके अपने पौधे देखता हूँ। लिटरली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मैं अपने पौधों को पहले नज़र ना मारूं और अंदर चला जाऊं। मैं अपनी शक्ल बाद में देखता हूं कि मैं किस हालत में पौधों को पहले देखता हूं ना। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि जी केयर कैसे करते हैं, मैं उन्हें एक ही जवाब देता हूं, जिस तरह अपने बच्चों की केयर करते हैं। ये जस्ट लाइक ए बोटैनिकल गार्डन है ये पूरा, मगर इसमें जो दुनिया जहान के जो जहाँ पे इसके में ग्राउंड कवर्स हैं, श्रब्स हैं और ट्रीज़ हैं, एवरीथिंग, वो ये बड़ी यूनिक कलेक्शन है जो साहब की। इसमें इनका पैशन, मोहब्बत, जो इश्क है काम के साथ, इन पौधों के साथ, वो नज़र आता है। मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा गार्डन है, इसमें इतनी पोटेंशियल है कि जहाँ पर किसी भी गमगीन से गमगीन बंदे, परेशान से परेशान बंदे को आगे राहत, सुकून और उसको जो है ना स्ट्रेस उसकी जो है ना बेहतर हो सकती है। ये कि प्लांट्स तो सारी नर्सरी में मिल जाती हैं आपको, जो थीम है इसकी लेआउट वो इसको डिफरेंट कर देती है। असल में ये सारी थीम ही है जो इसका कंसेप्ट, इसका व्यू बनाती है। अच्छा जेद भाई, ये कितने आपको कोई 40-50 साल तो लग गए होंगे ये बनाने में ना? अच्छा, ये सवाल मेरे से अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि मेरी नेचर ऑफ लाइफ इस तरह की है कि मुझे एक घर से दूसरे घर गवर्नमेंट जॉब की वजह से जाना पड़ता है। जितने पौधे अभी आप यहाँ देख रहे हैं ना, देयर इन थाउजेंड्स, ये सारे यहीं रह जाएंगे। वाकई ट्रांसफ़र होके
से भी चला गया हूँ। अब यहाँ की क्लाइमेट और वहाँ की क्लाइमेट डिफरेंट होगी, ये ज्यादा होगी इन पौधों को वहाँ लेके जाना। आपको सारी कलेक्शन है, चलती रहती है, मुझे कभी ये टेंशन नहीं लेनी पड़ी कि जी ये पौधे आएंगे कहाँ से, आ जाते हैं। इनके बारे में अगर एक लफ्ज़ या एक फ़िक्रे में इस लॉन की, इस जगह की बात बतानी हो, तो ऐसे महसूस होता है कि किसी ने अपने खून से इनको सींचा। और इतने फ्रेश पौधे जून के महीने में, इतनी ग्रीनरी मुझे और कहीं पर नज़र नहीं आती है। टेंशन हो जाती है ना कभी किसी बात पे। मैं यहाँ पर दो कुर्सियाँ लगाता हूँ, रात को पंखा वहाँ पर चला के उसे कहता हूँ चला बाहर जाके चाय पिए, बेगम को पता होता है कि अब रोला ख़त्म होने वाला है। यकीन जाने ये जो माहौल है ना, ये आपके ऊपर बहुत असर पड़ता है। मैंने भी एक दफ़ा ऐसा किया कि कितने हम लोग गर्मी से मारते हैं अंदर चल। नहीं नहीं, मैं माहौल बनाता हूँ, अभी ये शावर शूवर चलाएंगे तो आपको यहाँ पर बाहर से ज़्यादा टेम्परेचर चल। और वो जो आप पूछ रहे थे ना कि कितना टाइम लगता है, मुझे ये तकरीबन ये वाला जो गार्डन है ये कुछ सातवां आठवां गार्डन है जो मैं तैयार कर चुका हूँ, जो और जब पूरा तैयार हो जाता है तो उसके बाद फिर कहीं और ट्रांसफ़र हो जाती। 4 महीने लगते हैं टोटल, सिर्फ टोटल 4 महीने में गार्डन शेप में आ जाता है। उसके बाद आगे मैच्योरिटी आती है, पौधे को आपने प्लेस कर दिया है, अब वो 4 महीने तक स्टेबल हो गया। ये एक ड्रीम है कि जो हर कोई चाहता है कि हम कर लें, हमारा घर भी ऐसा हो। तो जुवेद साहब ने एक करके दिखाया है और उसको पब्लिक किया है, और इसको कैसे मैनेज करना है उसके लिए अपने बच्चों के समेत वो मुसलसल आपको सिखाते हैं। कुछ सीख लें, कुछ बना लें, वरना मेरी तरह सारी उम्र तरसते ही रहेंगे कि कभी मौका मिले और जुवेद साहब का गार्डन देखें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस जुवेद साहब, उनकी फैमिली बहुत खुश वक्रम रखे, ऐसे भी लोगों को मुस्कुराहटें खुशियां देते रहें, और हम सब उनके लिए दुआगार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।